साहब वाहेगुरु जी की फतेह जी। साडे नाल मौजूद हैं डॉक्टर मेमपाल सिंह, किसी भी तारीफ के मुहताज नहीं हैं। हाल ही सब तो पहले तो असं इन्होंने बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। फखरे पाकिस्तान, यू आर अ प्राइड ऑफ अस, के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वालों इन्हों फखरे पाकिस्तान का जोड़ा है अवार्ड दिता गया। वीर जी तुम तो पहले कोटि कोटि बहुत बहुत मुबारक होए। तो नाल ही नाल गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही चोहा बाबा गुरु नानक साहब के उत्ते वीर जी की एक खास तवज्जो रही है। असी फीडबैक दे विच इन्हां दे नाल हर वक्त मौजूद रहे हैं। वीर जी की कहना चाहोगे रणजीत निगारा लिए? जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं समुची जगत के सिख संगतों नू गुरुद्वारा चोहा साहब की अज जिहड़ी सेवा कंप्लीट हुई है तिस दी सारिआं नू वधाई दिंदा हाँ। और इस वधाई दे पात्र मैं रणजीत निगारा और इन्हां दे विद्वान वीर जी सतप्रीत सिंह जी नू बहुत बहुत धन्यवाद दिना। और मैं समझदा हाँ कि इन्हां नू मुबारकबाद दे नाल मैं पाकिस्तान की समुची संगतां वालों, पाकिस्तान की गौरमेंट वालों, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तिना का धन्यवाद करदा कि अज सानू एक ऐसा अस्थान प्राप्त होया कि जिस अस्थान वास्ते समुचियां संगतां ये सोच दियां सन कि शायद कदी ऐसा दिन नहीं आएगा कि जदों एक गुरुद्वारा एक बारी फिर अपनी ओरिजिनल शक्ल दे विच सानू इत्थे मिलेगा ते असी सारी संगत बैठ के श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करांगे, अरदास सुनांगे अते अपने दिल दियां अरदासां इत्थे करांगे। मैं समझदा हाँ कि जिते सानू धन्यवाद करना चाहिए है पाकिस्तान की गौरमेंट का, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का, कि जिन्होंने सानू इजाजत दिंदे हुए हैं। तो उत्थे मैं धन्यवाद करांगा रणजीत निगारा की समुची टीम का कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अते साड़ी रिक्वेस्ट के उत्ते ना सिर्फ एक गुरुद्वारा सांभिया बल्कि इसनों अपने ओरिजिनल शक्ल च बना के सानू दिता है। और मैं अरदास करांगा सतगुर के चरणों में कि सतगुर से पाछा उन्हां समुचियां संगतां नूं जिन्हां ने इस सेवा दे विच अपना योगदान पाया तिन्हां नूं इसी तरह सेवा करन दी हिम्मत ताकत बख्शे। और सतप्रीत वीर जी ना सिर्फ इस गुरुद्वारे दी बाकी ननकाणा साहब पाकिस्तान दे समुचे गुरुद्वारियां दी और दुनिया दे विच जिथे जिथे गुरुद्वारे साडे कोल विछड़ चुके हैं उन्हां दी सेवा संभाल दे विच उन्हां दा सेवा हो सके। और मैं आस रखदा हाँ कि साडे वालों जिन्नी क कोशिश होएगी कि असी उन्हां वास्ते इत्थे आसानियां पैदा कर सकीए जिहड़े इत्थे दा काम है। और भाई मन करम सिंह जी हवेली का काम है, माता साहिब कौर जी का काम है। मैं आस रखदा हाँ कि वीर जी अपने दिल चो सानू दूर नहीं करेंगे और वह इत्थे ये सेवावां संभालते रहेंगे और अगे इस सेवा नू टोड़ते रहेंगे ताकि साडे कोल जो साडा इतिहास साडा विरसा जो साडे कोल 1947 दे विच विछड़ चुक्या है और वह टह टेरी हो रहा असी सारे मिल के एक मुठ हो के पाकिस्तान की गौरमेंट के नाल मिल के इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड नाल मिल के इन्हों अपने कुरतावान सेवा संभाल करके एक बार फिर संगत के हवाले कर सकी। सो मैं जिते सारिया का धनवाद कराँगा उत्थे मैं बाबा जी का बहुत धनवाद कराँगा, साढ़े को जड़े इश्तियाक साहब खलोते हैं मैं उन्हों का बहुत धनवाद कराँगा, मुदसर बेग साहब जी का धनवाद कराँगा, मिर्जा साहब और बाकी सारे वीर जिहड़े इत्थे रह के इन्होंने इन्होंने सेवावां कीतियां हन। मैं सारे उन्हां दा धन्नवाद करदे होयां अरदास करांगा कि सतगुर सानू इसी तरह समुचे गुरुद्वारां दे खुले दर्शन दीदारी अते सेवा संभाल दा दान बख्शन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस नाल अपने वीर डॉक्टर प्रोफेसर मेमपाल सिंह जी, एसोसीएट प्रोफेसर ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, आप फखरे पाकिस्तान, हमें आप पे मान है और तुहाडे इत्थे आउण दा इत्थे होण दा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च होण दा जिन्ना सानू खुशी हुंदी है शायद ही किसी नू हुंदी होवे। वीर जी रब रखा, तुहाडा बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।